हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी जेई ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। ऑफिशियल अपडेट आया है, कुछ दिनों पहले का है, बट एक और साइट से जो पोस्टपोन का जो मैसेज है, जो नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया गया है। तो अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं ड्यू टू कोरोना अभी पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो बंद ही हो चुका है, एक तरह से ठप हो चुका है। अब नेक्स्ट अपडेट कब आता है उसके लिए अपने को आरआरबी चेक करते रहना पड़ेगा, और जैसे ही आएगा मैं एज सून एज पॉसिबल उस पर वीडियो बनाकर पब्लिश कर दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और उससे पहले मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चैनल पर आती रहती है। बातें बहुत हो गई, अपन अब वो नोटिस देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा वो नोटिस, आप देख सकते हैं सूचना, अपन इसे पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ये देखिए क्या दिया हुआ है। प्रयागराज मंडल में प्रातः सभी पैनल के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी के कारण। दोस्तों मैं इसमें बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पर क्या लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लेना। इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं स्पेशली प्रयागराज से जो बिलोंग करते हैं, जहाँ से उन्होंने फील किया था, तो उनके लिए बोला है कि ये जो महामारी है इसके कारण जितने भी कैंडिडेट जिनको 23 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में बुलाया गया था डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिखी हुई है, अब वो स्थगित कर दी गई है। और इसके 20 दिन के अंतर्गत, अगर आप इस डेट को अब आगे यहाँ पर लिखेंगे अगले 20 दिनों तक, अगर आप 31 से भी देखेंगे तो 15 के बाद अप्रॉक्सीमेटली 20 अप्रैल के बाद ही ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया है, अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो 20 अप्रैल के बाद ही आएगी, उसके पहले कुछ भी नहीं। और इसमें लिखा है कि उन्हें वेबसाइट के माध्यम से पुनः उपस्थित होने हेतु सूचना सूचित किया जाएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट आएगी तो जो आप जानते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से आरआरबी की, उस पर ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन इस समय आपको वहां पहुंचना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है समय समय पर आप वेबसाइट चेक करते रहें। तो सभी कैंडिडेट से दोस्तों आप आरआरबी चेक करते रहें, जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले तो आपके मोबाइल पर ही आएगा, एज वेल एज आपने जो वैलिड ईमेल एड्रेस वहाँ डाला है उन दो चीज़ों पर ही आरआरबी भेजती है सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन, और एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मुझे लगा मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, भाई लोग हैं, उनको बताना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, थोड़ी सी पुरानी है ये, बट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके क्या और थॉट्स हैं, कुछ डाउट्स हो, कुछ क्यूरीज है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, लॉकडाउन का भरपूर पालन करें, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।